नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नीरा को बढ़ावा देने के लिए। आप देखिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार खुद नीरा पी रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा सकते हैं? बहुत अच्छा टेस्ट है, आप भी पी के देखिए। हो सकता है कि ये तो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, तो हम अच्छा कर रहे हैं। आप भी टेस्ट करके देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट है। ये नया इनिशिएटिव किया गया, क्या लगता है इसके ऐसे दुकान और खुलने चाहिए बिहार में? दुकान सब जगह खुल रहे हैं। आपको मैं बताया कि 14,000 लीटर प्रतिदिन पटना में खपत है और राज्य के अनेक हिस्सों में ये काम हो रहे, बड़े पैमाने पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो लगता है कि इस तरीके की और दुकान खुले, जीविका दीदियों को और सहायता होगा। खुल रहा है, इस तरह के दुकान पटना में अनेक खुले हैं और भी खोले जाएंगे। जहाँ जहाँ आप लोग भी सुझाव दीजिएगा वहाँ भी हम लोग खुलवाते हैं। आप भी अपील करेंगे लोगों को नीरा पीने के लिए गर्मी में? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो बनावटी जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं हमारे बच्चे, पी रहे हैं हमारे जवान, पी रहे हैं शादी में, ब्याह में, अनेक प्रकार के ओकेजन पर जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोको कोला, फंटा, फलना, ढकना जो आ रहा है, उससे 10,000 गुना बेहतर है। इसका स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उससे तो शारीरिक बहुत नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। इसको पीने से स्वास्थ्य, ये वर्धक चीज़ है, इसको पीना चाहिए। हर लोगों को यही अपील करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार साहब, देखिए नीरा पी रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को भी ये कहेंगे पी रहे हैं। आगे जो है, देखिए DDC साहब भी हैं, वो पी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कैसा लग रहा है सर नीरा जो बनाया गया है, कैसा केस है, क्या आप लोगों से अपील करेंगे? पटना जिला में अभी हम लोगों ने 220 नीरा के काउंटर को कार्यरत किया है। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। नगर निगम एरियाज में, नगर निकाय में एवं ग्रामीण एरिया सभी जगह प्रमुख काउंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं और 14,000 से 15,000 लीटर प्रतिदिन नीरा का उत्पादन भी किया जा रहा है। जीविका दीदियों ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी को प्रमोट भी कर रहे हैं हम, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसको और आगे बढ़ाने की भी कवायदें होंगी? जी बिल्कुल, जो पटना जिला का लगभग 6.5 लाख लीटर का टारगेट दिया गया है, जो पिछले बार से लगभग 150% है और पिछली बार भी हमने उससे ज़्यादा अचीव किया था, इस बार भी हम लोग कैंप मोड में अचीव कर रहे हैं। अभी हम लोग रविवार को नीरा थॉन भी अरेंज करा रहे हैं, जिसमें एक दौड़ होगी सचिवालय से लेकर चिड़ियाघर तक की, तो वो भी प्रचार प्रसार करवा रहे हैं और दीदियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में लगातार इसकी समीक्षा हो रही है और हम लोग इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना के डीडीसी साहब कहा है कि नीरा जो है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा देना, और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार खुद नीरा पीते नजर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से जो जीविका दीदियों के द्वारा नीरा का जो दुकान है, जो स्टॉल है, वो खोला गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, और उद्घाटन जो है आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। फिलहाल तो हमें सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।